देखिए सही बात है, मेरा ये कहना है कोई भी जाति नहीं सी है, केंद्र सरकार के अंदर होती है, राज्य सरकार के अंदर होती है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को लगता है कहीं गड़बड़ है, आईडी से लेकर सीबीआई, इनकम टैक्स सारी चीज़ें जांच करती है। उसी प्रकार से एससीबी राज्य सरकार के अंदर काम करती है, वो भी जांच करती है। मेरा कहना है कि यदि कोई गड़बड़ है और लगता है कि नहीं साहब इसकी जांच आवश्यक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन रिवेंज यानी बदले की भावना से यदि इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं विपक्षियों पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न तो लगता है। मेरा कहना है कि यदि कोई गड़बड़ उसने भी गड़बड़ किया है, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना, यदि उसमें प्रथम दृष्टया आरोप लगता है, सिद्ध होता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सीबी से जांच कराइए, सीबीआई से कराइए, जो भी संस्थाएं हैं तो जांच करेंगे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एससीबी की कार्रवाई राज्य सरकार ने दिया है, खास करके हमारे 5 मंत्रियों पर, ये तो बदले की भावना से फिर मैं कह रहा हूँ ना, एससीबी का जांच कितना दिन चलेगा? अरे भैया कोई भी चीज़ होती है तो अधिकारी तो देख के बता देगा ना, हम लोग जैसा आदमी बता सकते हैं कि भैया इसमें गड़बड़ी है। तो जांच के नाम पर मुझे लगता है कि ये सब लिपा होती है। आज जब झारखंड बनने के पहले यहाँ भूमि घोटाला का जांच हो, क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। ये देवघर में भूमि घोटाला हुआ, क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। इसी प्रकार अभी रोज अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन फलाफल क्या निकलता है? अरे भैया इसमें देरी क्यों है? कागज वगैरह सारी चीज़ें सरकार के पास है, एक कागज से देखने की चीज़ है और जो स्थल है वो देखने की चीज़ है कि भाई यदि ये गैरमजरुआ जमीन है तो कोई मकान कैसे बना लिया, कोई कैसे खरीद लिया, कोई कैसे बेच दिया, तो इसमें भी सालों साल लगते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जांच होती है और ये जो जांच करने वाले से वो सारे घोटालेबाज लोग, गड़बड़ी करने वाले लोग मिल जाते हैं। इसका नतीजा होता है कि फलाफल कुछ नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।